इंडिया के शहर कोलकाता में 31 साल एक डॉक्टर, एक औरत जिसको दरिंदगी का बुरे तरीके से निशाना बनाया गया, कि उसके जिस्म को इतने बुरे तरीके से कुचला गया कि उसके जिस्म की हड्डियां टूट गई। उसकी आवाज को इस तरह से दबाया गया कि उसकी कमर की हड्डी टूटी हुई मिली। ऐसे लोगों ने उसकी आवाज दबाई, ऐसा उसको ज्यादती का निशाना बनाया कि बेड पर पड़ी उस माँ की रोने की आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है, जो रो रो कर बता रही थी कि उसकी बेटी के बदन पर कपड़े नहीं थे, उसकी बेटी की टांगे टूटी हुई थी, इस तरह से टूटी हुई थी कि एक टांग बेड की एक तरफ और दूसरी टांग दूसरी तरफ लटक रही थी, और ये इस तरह से टांगों का टूटना आम नहीं है। न जाने किस तरह से उस लड़की पर जुल्म किया गया, किस तरह उसको ज्यादती का निशाना बनाया गया कि उसकी ये हालत हुई कि 100 से ज्यादा कटने के निशान उसके जिस्म पर पाए गए, उसका जिस्म खून में लथपथ मिला, उसकी हड्डियां चकनाचूर मिली, उसकी कमर की हड्डी टूटी हुई थी। उसकी माँ का कहना है, वो रो रो कर बता रही थी कि उसकी बेटी की आंखों पर चश्मे लगे हुए थे, इतने बुरे तरीके से उसका दीवार के साथ कहीं मुंह लगाया गया कि उसकी जो चश्मों के शीशे थे वो टूट कर उसकी आंखों में घुसे हुए थे। उस लड़की की जान चली गई होगी, वो जान से हाथ धो बैठी होगी, लेकिन हवस पूरी करने वालों की हवस पूरी नहीं होगी। ये मजहब और सरहद पार की बात नहीं है कि ये मजहब की बात है या सरहद पार का वाकया है, ये एक औरत का मामला है। ये एक औरत, मौशरे की औरत, चाहे वो भारत की है, इंडिया की है, चाहे वो पाकिस्तान की है, चाहे वो कहीं की भी है, जहां पर औरत महफूज ही नहीं है। ऐसी भी बातें हैं, ऐसे भी वाकयात कोर्ट की हैं, ऐसी भी रिपोर्ट्स दर्ज हुई हैं जहां पर एक औरत ने अपने खावन से तलाक ली क्योंकि उसके खावन से, एक बाप के हाथों उसकी बेटी महफूज नहीं है। ये ऐसा मौशरा है जहां पे एक बाप के हाथों उसकी बेटी महफूज नहीं है, लहद में उतरने वाली एक बच्ची, एक माँ, एक बहन महफूज नहीं है। ये वो मौशरा है, पैदा होने से लेकर लहद में जाने तक आप महफूज नहीं है, आपकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है, गोरकन से, दूसरों से। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, कई वाकयात रिपोर्ट हुए हैं इस तरह। एक उस्ताद के हाथों एक शिगिर्द महफूज नहीं है, एक मुअल्लिम, आप अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए दर्स नहीं भेज सकते। कितने वाकयात देखने को मिले ज्यादती का निशाना, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बच्चियां हैं। एक औरत है, उसको ज्यादती का पर्दे में, लाख पर्दे में छुपाई हुई औरत, वो महफूज नहीं है। बाहर के मुल्कों से सियाह आने वाली औरतें यहाँ महफूज नहीं है, वो यहाँ पर मुल्क देखने आते हैं, मुआशरा देखने आते हैं, और यहाँ पर उनके साथ क्या बीतती है। कितने वाकयात, चाहे वो इंडिया के हों चाहे वो पाकिस्तान के हों, कितने आज तक रिपोर्ट्स, कितनी FIR कट चुकी हैं, लेकिन इंसाफ किसको मिला आज तक। जनाबे वाली, ये वो दुनिया है, वो माजरा है। शर्म आती है कहते हुए उन मर्दों के लिए, यहाँ सबकी बात नहीं हो रही, उन मर्दों के लिए जो ये कहते हैं कि हम अपने घर की माँ और बेटी की बहुत इज्जत करते हैं। इज्जत भाई वो होती है जो आप बाहर निकलो तो आपकी नज़रों से दूसरों की औरत महफूज रहे, उसको भी आप वही समझो जो अपनी माँ और बहन को समझते हो। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो माजरत के साथ मुझे आप दुरुस्त फरमा दें। हर औरत जो घर से निकलना चाहती है वो आपसे तहफ़्फ़ुज़ मांगती है। हर बच्चा, हर बच्ची जो घर से निकलकर कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको आपकी आंखों से, आपके हाथों से, आपसे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। हर वो इंसान तहफ़्फ़ुज़ मांगता है जो घर से निकलता है, नज़रों का तहफ़्फ़ुज़, हाथों का तहफ़्फ़ुज़, जिस्म का तहफ़्फ़ुज़। एक माँ या एक बाप अपने बच्चे को या बच्ची को बाहर सौदा सलफ लेने नहीं भेज सकते कि भाई कोई गलत काम ना हो जाए। भाई खेलने के लिए आजादी से नहीं निकाला जाता जब तक कि खुद कोई भड़ा साथ ना हो। इस वक्त इतनी पस्ती का शिकार है ये मौशरा। यहाँ पर ना तो ये है कि जी उस तकलीफ से आज उसके लिए एहतजाज हो रहे हैं। ये ममता नामी, ये जो लड़की मेडिकल की डॉक्टर, ये डॉक्टर थी, इसके लिए आज एहतजाज हो रहे हैं। इस तरह के कई एहतजाज इंडिया में पहले भी हो चुके हैं, कई एहतजाज जो हैं पाकिस्तान में भी हो चुके हैं। आज मैं इंडिया की बता रही हूँ, अगली स्टोरी मेरी पाकिस्तान की होगी। मतलब के इस तरह के कई वाकयात, FIR कट चुकी, रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन इंसाफ और ऐसा कानून चाहिए जो इन चीज़ों को ख़त्म करे, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, हम उनकी आवाज़ बने। और जिस तकलीफ से वो लड़की गुजरी और जो चीज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस चीज़ से ये सब नज़र आ रहा है, सोचें वो लड़की की क्या हालत हुई हो।
उस पर जो बीती है ना उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। आज आवाज बुलंद करने के लिए सब निकले हैं, लेकिन इंसाफ दिल ने देने वाला कौन है, इंसाफ दिलवाने वाला कौन है? और वो लोग जिन्होंने ये काम किया वो ये मत सोचें कि उनकी कभी पकड़ नहीं होगी। एक शख्स पकड़ा भी गया, संजय नामी लड़का पकड़ा भी गया और वो अदालत में पेश हुआ और उसने कहा मुझे कोई अफसोस ही नहीं है कि मैंने ये काम किया। मतलब इतनी बेशर्मी है कि उसको वो कहता है मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। लेकिन जो लोग ये काम करते हैं वो ये मत सोचें कि उनकी पकड़ नहीं होगी। पकड़ तो पक्की है, वो तो होगी। लिहाजा हम उन लोगों की आवाज़ हैं, हम उन लोगों की आवाज़ बनेंगे जिनके साथ इस तरह की ज्यादती होती है। और अल्लाह ताला तमाम लोगों को, तमाम औरतों को, तमाम बेटियों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और उनको अपनी हिफाजत में रखते हुए जो है उनकी ज़िंदगी की अल्लाह ताला हिफाजत करे।